वतन है दुनिया वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। भाई वाह 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 वाह। जिस पौधे से हमें सर्वाधिक नेह होता है, सर्वाधिक प्रेम होता है, वो हमारे लिए पूज्य भी होता है, जिसको हम तुलसी का पौधा कहकर के संज्ञा देते हैं। इस मंच की आयु की दृष्टि से सबसे छोटी कवित्री हैं, लेकिन अगर हम उनकी ख्याति देखें तो वो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों हिंदी मंचों की वो अनिवार्यता होती जा रही हैं। ऐसी मणिका दुबे इस मंच पर हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों में तब्दील करें और आमंत्रित करें प्रासुक सा नाम मणिका दुबे आपके बीच। आप सभी को मेरा यथाउचित अभिवादन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग, हर जाति विशेष के लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यकीन जानिए, ये कहना गलत नहीं होगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर कवि सम्मेलन सुन रहा है। क्या बात है मणिका, वाह वाह वाह। मैं बागी बलिया की इस धरती को प्रणाम करती हूँ। भाई वाह वाह वाह। चंद्रशेखर जी की ये धरती है, ये धरती मंगल पांडे की है, ये वीरों की धरती है, ये साहित्यकारों की धरती है। आप सभी गंगा नदी के पास, सोन नदी के पास रहते हैं। मैं नर्मदा के किनारे से आई हूँ और इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ, और आपसे अतिरिक्त स्नेह चाहती हूँ, आपसे ज़्यादा स्नेह की उम्मीद रखती हूँ। और ये कहती हूँ कि मैं तो उस प्रदेश से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जहाँ पर यह अभियान चला कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। मुझे मंच के ठीक सामने दो बहुत नन्ही नन्ही बच्चियाँ दिख रही हैं, उनको देखकर पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो बेटियों को मार देते हैं। आपसे अतिरिक्त स्नेह चाहती हूँ, कहती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है। सभी बेटियों के नाम पढ़ती हूँ कि एक काजल की डिबिया अच्छी लगती है और माथे की बिंदिया अच्छी लगती है। घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, घर में बेटी आएगी तब क्या होगा, जब मिट्टी की गुड़िया अच्छी लगती भाई है। वा, वा, बहुत आभार मणिका, वा, 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 बहुत आभार, आपने मुझे इतना प्रेम दिया, वा, 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 आपका स्नेह मुझे मिला। मैं इश्क लिखती हूँ और ये बगावत की भूमि है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके भीतर इश्क नहीं है तो आपके भीतर बगावत भी नहीं हो सकता है। मैं इश्क और बगावत दोनों पढ़ती हूँ, मैं इश्क लिखती हूँ और वहीं से शुरू होती हूँ। आप सुनिएगा, आपका प्यार मिलेगा, आपकी मोहब्बत मिलेगी तो अच्छा लगेगा। कन्हैया की अदाओं से शरारत कौन करता है, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, वाह वाह करना पड़ता है, टाइमिंग के साथ, टाइमिंग सही रखनी पड़ती है। कन्हैया की अदाओं से शरारत कौन करता है, भला इतनी भी शिद्दत से मोहब्बत कौन करता है। मुझे बताना कि इश्क वालों की धरती है ये बगावत वालों की धरती है, ये मंगल पांडे की धरती है, ये चंद्रशेखर जी की धरती है। कन्हैया की अदाओं से शरारत कौन करता है, भला इतनी भी शिद्दत से मोहब्बत कौन करता है। सब अपने देश की खातिर कसीदे खूब पढ़ते हैं, सब अपने देश की खातिर कसीदे खूब पढ़ते हैं, मगर इस देश की खातिर बगावत कौन करता है। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप पूरे मेरे हो चुके हैं। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि बलिया मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बढ़िया मणिका, वाह वाह। अमरता वीरता का देश भारत, इसका ईको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा और वॉल्यूम भी, इसे थोड़ा शार्प कर दीजिए, ये थोड़ा अगर मॉनिटर सेट कर दें तो सब कुछ हो जाएगा। माइक वाले भैया, अमरता, बहुत अच्छा है, अब इसके साथ कुछ भी मत कीजिए, कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, अब इसे ऐसे ही भूल जाइए जैसे उधार वाले पैसा भूल जाते हैं लौटाना। अमरता वीरता का देश भारत, सभी से भिन्न है परिवेश भारत, जिएंगे तो जिगर में हिंद होगा, वाह
स्वच्छ भारत। बहुत आभार भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 मणिका वाह। अब ये बगावत का स्वर था, अब इश्क का स्वर रखती हूँ आपके बीच में, सुने। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, बिना सोचे। यहाँ के लोग बहुत दाद दे रहे हैं, अगर यहाँ के लोग भी दाद देने लगेंगे तो प्रकृति में बैलेंस बन जाएगा। बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, हमारी राह में फिसलन नहीं है। वाह वाह वाह। और कुछ लोग आ रहे हैं, मैं स्वागत करती हूँ। जब तानसेन गाते थे तो हिरण चलकर आते थे, मैं गा रही हूँ तो हिरण्यकश्यप चलकर आ रहे हैं। वाह 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 वाह। बस आपका प्यार ऐसे ही मिलते रहे। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, हमारी राह में फिसलन नहीं है, खता के नाम की सौतन है दुनिया, खता के नाम की सौतन है दुनिया, वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। भाई वाह 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 वाह। वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। बहुत आभार, आप बहुत मन से सुन रहे हैं और आप दोनों एकदम बिल्कुल सेम शर्ट भी पहनकर आए हैं, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। मणिका, एक जेपी सिंह साहब की फरमाइश है, शहर के शोर में तन्हाइयां हैं। जी सिंह साहब, बिल्कुल ये गजल मैं पढ़ूंगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके लिए कहा है और आपने कहा है तो खास तौर पर पढ़ूंगी। क्या कह रहे हैं? जी जी जी, स्वागत। कह रहे हैं लाइट का मैं दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक काम कीजिए आप अपने फोन का टॉर्च जला लीजिए। वैसे मैं सुनाई बहुत अच्छा देती हूँ, आप सुनेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। शहर के शोर में जिसके लिए आदेश हुआ है और मंच के बड़े लोग बैठे हैं, समय की अपनी सीमा है इसलिए मैं अपनी सीमा में रहकर अपना काव्य पाठ करती हूँ। एक अंतिम रचना से आपको जोड़ती हूँ जिसके लिए मुझे खास तौर पर आमंत्रित किया गया है, जिसके लिए इन दिनों मेरी देश और विदेश की जो यात्राएं हैं वो हो रही हैं। मेरी प्रतिनिधि रचना है, शहर के शोर में वीरानियां हैं। इस लाइट को हल्का सा कम कर देंगे तो मेरे नौजवान साथियों के साथ मेरा आई कॉन्टेक्ट बन जाएगा। वाह, बस इतना ही बैलेंस बनाइए। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, हंसना नहीं है वाह वाह करना है। मुझको झीलें नदियां अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियां अच्छी लगती हैं, इस खातिर भी हरदम खुश मैं रहती हूँ, उसको मेरी खुशियां अच्छी लगती हैं। क्या बात। और ये चार पंक्तियां जब मैंने रील डाली तो मुझे लड़कियों के भी आई लव यू के मैसेज आए। मुझको सबसे प्यारा कह लो, कैमरामैन भी उछल रहा है। मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो,
इतना तो हक बनता ही है, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कहें। हाय हाय, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर। बढ़िया, बढ़िया, मुझे बढ़िया, इतनी बढ़िया। खुशी हुई है आप सभी से मिलकर। देखिए, कुछ लोगों के घर जाओ तो लगता है अच्छे लोग मिले, पर आप सरीखे कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो लगता है घर मिल गया। क्या बात, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, बलिया वालों, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। क्या बात, बढ़िया मणिका, वाह 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 वाह। शहर के शोर में वी, इतने कम शोर में आदत नहीं है मेरी पढ़ने की। शहर के शोर में वीरानियां हैं, पहली पंक्ति में इतनी मोहब्बत दे रहे हो, आखिरी तक तो मार ही डालोगे। शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। हाय भाई, वाह वाह मणिका, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मणिका, वाह वाह वाह। बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां है। और अगला शेर बहुत काम का शेर पढ़ रही हूँ, जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपका काम का शेर है। उसी से रूठ कर उस, आए हाय, आपको तो याद है, मेरे साथ गुनगुना भी सकते हैं आप, पेमेंट में, पेमेंट का कुछ हिस्सा आपके नाम कर दूंगी। आप बागी हैं तो मैं भी दिलवाली हूँ। क्या बात है। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बढ़िया मणिका, वाह 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 वाह। उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। और एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, मंच पे भी मेरी बड़ी बहने माँ स्वरूप, मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ और एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं पढ़ती हूँ। क्या बात, कभी माँ की हथेली चूम लेना, हाय हाय, कभी माँ की हथेली चूम
महिमा की बड़ी कुर्बानियां हैं, कभी माँ की हथेली। और ये आखिरी शेर, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। मुझे इतना प्यार देना कि मुझे लगे कि थोड़ा सा मेरा शहर, मेरा सिहोरा, मेरा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे इतना प्यार देना कि मुझे लगे कि थोड़ा सा बलिया मेरे साथ चला गया। आखिरी शेर पढ़, क्या कह रहे हैं, पूरा ठीक है, आखिरी शेर पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो शीशे का हमें घर बना ले, चलो शीशे का हमें घर बना ले, मगर उससे भी पहले डर बना ले, मोहब्बत टूट के कर ले किसी से, फिर उसके बाद दिल पत्थर बना ले। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। वाह वाह वाह। एक और सौरभ जी कह रहे हैं, इसी शेर को दोबारा पढ़िए, नया तो समय नहीं है और संचालक महोदय खड़े हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ये शेर पढ़कर अपनी जगह लेती हूँ। कैमरामैन भी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं, ये साहित्य की भूमि है, ये साबित होता है इससे। क्या आप सभी, मैं एक मतलब और एक शेर पढ़ देती हूँ, आपने नया कहा है, क्योंकि जनता जनार्दन है, हमने प्यार किया, हमने प्यार किया और उस प्यार के नाम लिखा, आप हमारा दूसरा प्यार है, हम आपके लिए पढ़ते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं एक मतलब एक शेर पढ़ती हूँ, वो शेर मैं फिर आकर पढ़ दूंगी बलिया दोबारा, सुने, जिसके लिए आप कह रहे हैं। वो अब क्या देखता होगा, एक तरफा मोहब्बत के नाम, वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा, अपनी जगह पर बैठ रही हूं। विदाई की तालियां आपसे चाहूंगी और आपका प्यार, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, जो कमी रह गई है मैं अगले वर्ष आकर पूरी करूंगी, ये मेरा वादा है, अगर आपने बुलाया तो। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर देख लेती हूँ,
क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, बलिया वालों, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत आभार।